Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Viewers, composition of forces lecture 10 mein aaj hum ek formula drive karenge, resultant of two concurrent forces. Ye aksar question papers mein exam mein pucha jata hai aur phir ye formula jo hai ye bahut sare kinetics ke questions mein apply bhi hota hai. To lihaza ye isko derivation badi important hai aur phir isko yaad rakhna bhi chahiye aapko. Mechanics book to follow. As you know, current lecture is useful for associate degree mathematics B course 1, BS mathematics first semester mathematics B1, PPSC, FPSC lecturer mathematics, CSS, PCS competitive examinations. Resultant of two concurrent forces. Let the forces P and Q act at a point A such that alpha is the angle between them as shown in the figure. ये वो जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो दे भी सकता है, इस तरह भी कह सकता है कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, या फिर वो कह सकता है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस. तो अब जो क्योंकि कॉन्करेंट फोर्सेज हैं तो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी, तो ये डाटा तो हम खुद अपने पास से लिखेंगे ना, ये फोर्सेज तो सपोज करेंगे ना जिनका रिजल्टेंट मालूम करना है, तो वो हमने सपोज कर लिए हैं फोर्सेज पी और क्यू, और वो कॉन्करेंट अगर किसी पॉइंट के ऊपर तो वो एक्ट कर रही होंगी, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमने ए सपोज कर लिया. अब उनके दरमियान एंगल भी कुछ होगा तो वो हमने अल्फा सपोज कर लिया. क्या किया जी, लेट द फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट अ पॉइंट ए सच दैट अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर. ये अब कोई फर्ज करें रिजिड बॉडी है जिसके पॉइंट ए के ऊपर दो फोर्सेज पी और क्यू एक्ट कर रही हैं और इनके दरमियान हमने एंगल जो है वो सपोज किया अल्फा. तो ये तो डाटा है जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हो या ना हो हमें खुद से पता होना चाहिए. क्या अजम्पशन है, दो फोर्सेस उनके दरमियान एंगल एंगल और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. इसमें हमने जो फोर्स पी है वो इंटेंशनली अलोंग एक्स एक्सिस ली है ताकि हमें जरा रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो मालूम करनी हमारे लिए आसान हो जाए. तो फर्दर रिज्यूम दैट पी इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो ये चुके जो हमने जानबूझ के लिए ताकि रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो आसानी से मालूम हो सके, तो इसलिए इसको लिखना, यानी जो वर्किंग आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपने लिखनी है, ये याद नहीं करनी आपने, ये याद नहीं करनी. क्या किया, दो फोर्सेस पी और क्यू लिए, उनके दरमियान एंगल अल्फा लिया, पॉइंट ए से पास कर रही हैं, ये आपने सिर्फ लिखना अपनी लैंग्वेज में लिखना, इसको एज इट इज लफज पर लफज याद करने की कतई जरूरत नहीं है. लेट आर बी देयर रिजल्टेंट. अब हमने चूंकि उनके रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमने आर सपोज कर लिया. अब आपको याद है कि रिजल्टेंट फिर कैसे आता होता है, पता है आपको रिजल्टेंट याद है कि हम पैरेललोग्राम मुकम्मल करते हैं, याद होना चाहिए आपको कि पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था हमने कि हम इतनी जितनी ये फोर्स है इतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स यहाँ अप्लाई करेंगे और उसके जो यानी इसको पैरेललोग्राम को हम मुकम्मल करते हैं. आप देख लें यहाँ पर, ज़रा मैं कोशिश करता हूँ कि पैरेललोग्राम जो है मेरे पास मुकम्मल हो जाए. जो फोर्स पी है उसकी उतनी मैग्नीट्यूड के मैंने पैरेलल फोर्स एक ड्रॉ कर दी है और इसी तरह ये फोर्स क्यू के मैंने पैरेलल फोर्स जो है वो ड्रॉ कर दी है. ये एक किस्म की पैरेललोग्राम बनी है जो कि सही तो नहीं बनी. तो इसका जो डायगोनल है वो बेसिकली रिजल्टेंट होता है, याद होगा आपको पैरेललोग्राम लॉ में हमने ये पढ़ा हुआ है. तो हम कहते हैं लेट आर बी देयर रिजल्टेंट, देन ये जो हमने आर इनका रिजल्टेंट सपोज किया तो वो आप जारी पता है इस ये पैरेललोग्राम सही बन जाती तो ये यही एक्चुअली होना था. तो ये उसका रिजल्टेंट हमने सपोज कर लिया, उसको लेबल कर दिया आर. देन अब रिजल्टेंट है तो पी और क्यू का रिजल्टेंट, तो फिर रिजल्टेंट को किस तरह लिखते हैं, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. अब आपने आर की डॉट प्रोडक्ट आर के साथ लेनी है और उधर राइट साइड पर पी प्लस क्यू की डॉट प्रोडक्ट पी प्लस क्यू के साथ लेनी है. समझ आ गई है, आर डॉट आर ले लिया, P प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू. मैं क्विकली कह दूं आपको कि हमने क्या लिखा, P और Q फोर्सेस सपोज की, उनके दरमियान एंगल अल्फा सपोज किया और हमने कहा कि P एक्स एक्सिस के अलोंग सपोज करें एक्ट कर रही है, R हमने उनका रिजल्टेंट लिया. तो R अगर रिजल्टेंट है तो वो सम ऑफ फोर्सेस के बराबर होगा ना, P प्लस क्यू के बराबर होगा. अब जो स्टेप करने वाला है, ये आपने टेक्निक याद रखनी है, वो क्या है कि आर की डॉट प्रोडक्ट आर के साथ ही लेंगे, आर की डॉट प्रोडक्ट आर के साथ लेने से ही आर की मैग्नीट्यूड आएगी. What we are going to do here, we are just finding the resultant. And resultant is a force, and obviously force is a vector quantity. It should have a magnitude and direction.
तो हम पहला काम कर रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमें पता है कि आर डॉट आर करेंगे तो आर मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर आ जाएगा, फिर हम स्क्वेयर रूट लेके उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। दैट्स द रीजन कि हमने क्या किया है, आर डॉट आर मालूम किया। अब आर डॉट आर लिया, उधर पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू ले लिया। अब ये आपको डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो क्या होगा, पी डॉट पी, पहला एक्सप्रेशन ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर हम करते हैं, वो आ जाता है पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू आ जाता है। ये भी आपको मैं इसकी कर देता हूँ, पी डॉट क्यू। उसके बाद हमारे पास रह गया क्यू, वो आ जाएगा क्यू डॉट पी, फिर हमारे पास ये आ गया जी क्यू डॉट पी, और फाइनली हमारे पास क्या रह गया, क्यू डॉट क्यू। ये आपके पास रह गया क्यू डॉट क्यू। तो क्या किया, पी डॉट पी प्लस पी डॉट क्यू, क्यू डॉट पी प्लस क्यू डॉट क्यू, ये हमने इसकी कैलकुलेशन वर्किंग जो है वो कर ली है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ आई जे के इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम सर हर वेक्टर की हर दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब आपको पता है कि पी डॉट पी किस तरह होता है, पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, क्यू डॉट क्यू जो है वो क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और इसी तरह क्यू डॉट पी और पी डॉट क्यू आपस में बराबर हैं, और आर डॉट आर भी आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, आर डॉट आर आ गया आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये वाला जो पी डॉट पी था ये पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, पी डॉट क्यू ही रहा, और क्यू डॉट पी को मैंने कर दिया पी डॉट क्यू, और इधर क्यू डॉट क्यू बराबर है किसके, क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अच्छा जी, अब जरा हम आगे चलते हैं। ये पी मैग्नीट्यूड हमने जो है वो ले लिया पी के बराबर, क्यू मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर, आर मैग्नीट्यूड आर के बराबर, तो ये हम लगा देते हैं आर स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू पी डॉट क्यू। यहाँ पे हम पी क्यू नहीं लिख सकते, यहाँ पे पी फोर्स ही लिखेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इनके दरमियान, लेकिन ये मैग्नीट्यूड जो है उसको हम जो वेक्टर सिंबल है उसको लिफ्ट करके लिख सकते हैं। ओके जी, अब ये गौर करें पी और क्यू के दरमियान एंगल अल्फा है, तो स्केल प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, पी मैग्नीट्यूड क्यू मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इनके दरमियान चूंकि एंगल अल्फा है तो बड़े आराम से हमारे पास आ जाएगा पी डॉट क्यू का फार्मूला आपको याद है, पी मैग्नीट्यूड क्यू मैग्नीट्यूड कॉज अल्फा। तो बाकी चीज आर स्क्वायर वैसे के वैसे रहा, पी स्क्वायर वैसे रहा, टू भी वैसे रहा, पी डॉट क्यू बन गया पी क्यू कॉज अल्फा, और क्यू स्क्वायर भी वैसे ही रहा। अब बड़ी आसानी से हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो आर की मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास, हमने अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो दिस इज वेल नोन फार्मूला, ये हमने आगे बड़े क्वेश्चन में इस्तेमाल भी करना है, देयरफॉर यू शुड कीप इन माइंड। ये क्या आ गया, जो दो फोर कॉन्करेंट फोर्सेस पी और क्यू एट एन एंगल अल्फा एक्ट कर रही थी, उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई, वो देखें इन टर्म्स ऑफ पी क्यू और अल्फा ही आई है। क्या आई है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉज अल्फा अंडर रूट, ये उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आई है। अगर तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया हो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, तो फिर क्वेश्चन आप सिर्फ यहीं तक करेंगे, लेकिन अगर उसने ये नहीं कहा मैग्नीट्यूड और सिर्फ रिजल्टेंट का है तो फिर आपको आगे भी चलना है, फिर आपको उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर ऑफ द फोर्सेस। अब डायरेक्शन मालूम करने के लिए मैंने ये सपोज कर लिया थीटा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट आर मेक्स विद फोर्स पी, ये फिर आपको याद होगा हमने फोर्स पी एक्स एक्सिस के अलोंग ली थी, तो जब रिजल्टेंट का एंगल आप फोर्स पी के साथ सपोज करेंगे एक्चुअली आप ये कह रहे होंगे कि वो रिजल्टेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस है, बिकॉज यू हैव टेकन फोर्स पी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वो रीजन थी जिससे हमने फोर्स पी को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया था। अब यहाँ ये कहा जा रहा है और ये आपने लिखना है कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विच इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, यानी वो यहाँ पे आएगा ये थीटा, तो या फोर्स पी या विद एक्स एक्सिस अगर आप कहें, तो उसके बाद हम कहते हैं फ्रॉम वन इक्वेशन नंबर वन जो हमारे पास मौजूद थी उस वो इक्वेशन वन में आपको याद करा दूं क्या थी, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, मैंने उस इक्वेशन वन की डॉट प्रोडक्ट लिया आई के साथ। अब आर डॉट आई किसके बराबर आएगा, आर मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, आर और आई के दरमियान एंगल बेसिकली क्या है थीटा, आई यही है ना एक्स एक्सिस, तो इसके और इसके दरमियान आर और इसके दरमियान एंगल जो है वो थीटा, तो ये आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। पी डॉट आई, पी और आई के दरमियान वो एंगल जीरो है कॉस जीरो, और फिर आपके पास आता है क्यू डॉट आई, क्यू और आई के दरमियान एंगल जो है वो क्या है अल्फा। आपको याद है कि आई हमने पी फोर्स ली हुई है लॉन्ग एक्स एक्सिस,
और आई यूनिट वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, इसलिए क्यू का इसके साथ एंगल जो होगा वो क्या होगा, अल्फा। तो हमने लगा दिया ये उसकी आर डॉट आई फिर बन गया आर मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, पी डॉट आई बन गया पी आई मैग्नीट्यूड कॉस जीरो क्योंकि उस पी और आई के दरमियान एंगल जीरो है, क्यू डॉट आई बन गया क्यू मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा क्योंकि क्यू और आई के दरमियान एंगल जो है वो अल्फा है तो कॉस अल्फा। इस तरह से आई तो चूंकि यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड तो वन हो जाएगी, आर मैग्नीट्यूड को हमने आर लिख दिया, इसी तरह पी मैग्नीट्यूड और आई मैग्नीट्यूड वन है कॉस जीरो भी वन है तो पी मैग्नीट्यूड पी लिख दिया, क्यू मैग्नीट्यूड क्यू होगी आई मैग्नीट्यूड वन और यहाँ पे कॉस अल्फा, तो इक्वेशन नंबर टू आ गई। इसी तरह इक्वेशन नंबर वन की डॉट प्रोडक्ट अब जे के साथ लें तो बनती है आर डॉट जे इज इक्वल टू पी डॉट जे प्लस क्यू डॉट जे। अब आप देखें कि आर डॉट जे आर और जे के दरमियान एंगल क्या बनेगा, आर वो बनेगा 90 माइनस थीटा। आर आर डॉट जे देखें ना, जे आपका ये है वाई एक्सिस ठीक है, और ये टोटल आपके पास 90 है तो 90 में से ये थीटा निकाल देंगे तो इस आर का वैक्टर का वाई एक्सिस का लॉन्ग एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो वो बनेगा कॉज 90 माइनस थीटा, वो बन जाएगा साइन थीटा। और जे डॉट पी, जे और पी के दरमियान तो एंगल जे क्या है, ये वाई एक्सिस, इसके और पी के साथ एंगल तो 90 बन रहा है, और फिर आपके पास बनता है क्यू डॉट जे, तो वो भी आप देखते हैं कि ये एंगल वाई एक्सिस ये है और ये क्यू का इसके साथ एंगल अल्फा है, टोटल 90 होगा, 90 माइनस अल्फा कॉज 90 माइनस अल्फा वो बन जाएगा साइन अल्फा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, आर मैग्नीट्यूड आई जे मैग्नीट्यूड साइन थीटा और वो बन जाएगा आर साइन थीटा क्यू साइन अल्फा क्योंकि कॉज 90 जीरो होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर टू और थ्री आ गई हैं। अब हमने बेसिकली एंगल थीटा मालूम करना है, तो इक्वेशन नंबर थ्री को अगर हम टू पे डिवाइड करें तो फिर हमारे पास क्या आता है, थ्री और टू को डिवाइड करने से क्या होना क्या चाहिए, जब दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड डिवाइड करते हैं। थ्री की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आर साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दिया टू की लेफ्ट हैंड साइड से आर कॉस थीटा, थ्री की राइट हैंड साइड जो है वो है क्यू साइन अल्फा, उसको डिवाइड कर देंगे टू की राइट हैंड साइड से जो कि पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि आर और ये वाला आर कट जाएंगे, आपके पास रह जाएगा टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा आ गया, तो राइट साइड पे क्यू साइन अल्फा और पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो दिस इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद फोर्स पी, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, दैट इज द एंगल थीटा विच द रिजल्टेंट आर मेक्स विद द फोर्स पी। ये याद रखें कि अगर ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है, कौन सी, एक तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड ये है और एक रिजल्टेंट का एंगल विद फोर्स पी ये है, और अगर आप रिजल्टेंट का एंगल विद फोर्स क्यू मालूम करें तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ऊपर पी आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा और यहाँ भी पी आ जाएगा, पी और क्यू आपस में रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखें, दूसरा फिर आप इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगी होगी बात, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जाके उसको क्लियर कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।